चलिए आज की वीडियो में समझते हैं डेंटल प्लाक और टार्टार के बारे में कि ये क्या है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, क्या इससे प्रॉब्लम होती है, कैसे इसको हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉमन टर्म्स है। प्लाक जम गया हमारे मुंह में, ऐसा बोलते हैं। काफ़ी कमेंट्स में भी आप पूछते हैं कि टार्टार क्या है, प्लाक क्या है, अलग अलग है क्या। तो चलिए इसको आज हम समझते हैं, क्लियर करते हैं, कैसे साफ़ करना है, कैसे ये क्लीन होता है, ये भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है आपको। और चैनल में नए हैं या पहली बार विज़िट कर रहे हैं या विज़िट करते रहते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है नए वीडियोस की वो आपको मिलती रहे और वीडियो आपसे मिस ना हो। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए पहले प्लाक की बात करते हैं, फिर हम टार्टार को समझते हैं। तो प्लाक क्या होता है? जनरली जो हम बोलते हैं हमारे मुँह में प्लाक जम रहा है, ये एक स्टिकी लेयर है जो कि खाना खाने के बाद या कुछ भी खाने के बाद और या फिर हम कुछ पीते हैं उसके बाद भी हो सकती है। चाय, कॉफ़ी या कोई ड्रिंक हम पीते हैं उसके बाद भी हो सकती है। एक स्टिकी लेयर होती है। इसको कैसे आप समझ सकते हैं? जब भी आप कुछ खाते हैं, पीते हैं, उसके बाद एक लेयर सी आपको लगेगी, आप टंग से उसको फील कर सकते हैं। ऐसा जब हम फील करते हैं तो हमें एक लेयर सी फील होती है, उसको हम बोलते हैं प्लाक। और ये जो प्लाक होता है कैसे बनता है? जो सलाइवा है और जो फूड पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो फूड पार्टिकल्स हैं जो निकल नहीं पाते, उनके कॉम्बिनेशन से ये जमा होकर एक लेयर बना लेता है, इसको हम बोलते हैं प्लाक। और प्लाक बहुत अच्छा होता है बैक्टीरियाज के लिए, हमारे लिए नहीं, बैक्टीरियाज के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें ग्रो करते हैं और आगे प्रॉब्लम करते हैं। तो जो प्लाक है उसको आसानी से निकाला जा सकता है, नॉर्मल ब्रशिंग से, फ्लॉसिंग से इसको हम निकाल सकते हैं। इसलिए जनरली बोला जाता है कि अगर हम कुछ खाते हैं तो उसके बाद ब्रश तो हमें ऐसा नहीं है कि दिन भर ही करते रहना, एक से दो बार ब्रश करना सफिशिएंट है। लेकिन कुछ खाते हैं तो आप गार्गल कर लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, फिंगर अपने मुंह में चला लीजिए और कुल्ला कर लीजिए, तो एक लेयर जो है वो जनरली निकल जाती है काफ़ी हद तक, उससे आपकी ओरल हाइजीन जो है वो मेंटेन रहती है। तो ये है प्लाक। अब बात करते हैं टार्टार की कि टार्टार क्या होता है, क्या ये कुछ अलग चीज़ है? तो जनरल अगर हम समझें तो जो प्लाक है जब वो हार्ड होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं डेंटल टार्टार, या फिर इसको और मेडिकल टर्म में हम समझे तो बोलते हैं डेंटल कैलकुलस। अब ये बनता कैसे है? जो सलाइवा के मिनरल्स होते हैं, अगर प्लाक काफ़ी समय तक है और हम उसको क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, जो फूड डेब्रिस से, फूड पार्टिकल से और सलाइवा से मिलकर जो प्लाक की लेयर बन रही है, अगर काफ़ी समय तक हमारे मुँह में रहती है और हम उसको अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते, या क्लीन भी करते हैं तो प्रॉपर क्लीन नहीं कर पाते क्योंकि ब्रश करके हमें लगता है कि हमने साफ़ कर लिया, लेकिन दांतों के बीच में तो हम साफ़ कर ही नहीं पाते हैं, कैविटीज़ वहाँ साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो जब जो सलाइवा का मिनरल होता है ज़्यादा समय तक रहने के कारण ये कैलकुलस में बदलने लगता है, मतलब ये हार्ड होने लगता है, ऐसा आप समझ सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं कैलकुलस या टार्टार। और ये येलोइश कलर का आपको दिखेगा, ब्राउनिश या येलोइश कलर का ये दिखता है। सबसे ज़्यादा इसके होने के चांसेस होते हैं लिंगुअल सरफेस पे, मतलब आपके जीभ वाले अंदर वाला जो भाग होता है यहाँ पर, इस वाले एरिया में ये ज़्यादा दिखता है क्योंकि वहाँ पे सलाइवा जमा होता है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा दिखता है। बाकी सभी जगह भी दिखेगा लेकिन लिंगुअल साइड में ये थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है, दांतों के बीच में, गम्स में और गम्स के अंदर तक भी ये जाने लगता है। अब ये हार्ड होता है इसलिए इसको ब्रश से नहीं निकाला जा सकता। अगर स्टार्टिंग है तो ब्रश से ये धीरे धीरे निकल जाता है और इसके लिए आपको हार्ड ब्रश यूज़ करना है। हाँ, हर बार मैं बोलता हूँ सॉफ्ट ब्रश यूज़ करने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको मीडियम से हार्ड ब्रश यूज़ करना है। लेकिन हार्ड ब्रश डेली आपको यूज़ नहीं करना है और बहुत प्रेशर लगा के यूज़ नहीं करना है। ब्रशिंग टेक्निक बताई हुई है वीडियो में, उसको आप देखिए, वैसे आपको यूज़ करना है। तो हफ्ते में एक दो बार, तीन बार आप हार्ड ब्रश का या मीडियम जो ब्रश आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं ताकि जो कैलकुलस है वो निकलता जाए। अब एक बात और है, यहाँ पर हमेशा ये कंप्लेंट रहती है कि हम ब्रश तो करते हैं, साफ भी करते हैं, उसके बाद भी जो टार्टार है वो जमता ही है। तो कैलकुलस जो है, टार्टार जो है, उसको हम कितना भी क्लीन करें कहीं ना कहीं वो जमा होता ही है, आपके दांतों के बीच में वो देखने को मिलेगा। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि साल में दो बार आपको मशीन से क्लीन कराना ही होता है। जो कैलकुलस होता है, टार्टार होता है, वो ब्रश से नहीं निकलता है। तो हार्ड ब्रशिंग नहीं करनी है क्योंकि इससे फिर और दूसरी प्रॉब्लम शुरू होने लगती है, जो हमने पहले समझी है वीडियो में, एब्रेजन वगैरह होने लगता है, टूथ एब्रेजन होने लगता है। तो इसके लिए आपको मशीन से क्लीन करा लेना है, स्केलिंग आपको करा लेना है साल में दो बार।
दो बार नहीं तो कम से कम एक बार आपको नॉर्मल क्लीनिंग करानी ही चाहिए, उससे जो कैलकुलस है वो सारा निकल जाता है। अब कैलकुलस से क्या प्रॉब्लम होती है वो हम देखते हैं। कैलकुलस से आगे चल के जो मेन प्रॉब्लम होनी है वो होती है जिंजिवाइटिस, मतलब गम्स के डिसऑर्डर। जो हमारे मसूड़े हैं उनमें इन्फ्लामेशन होने लगता है, गम ब्लीडिंग जो है वो भी इसी के कारण होती है, एक कारण वो भी है गम ब्लीडिंग का, और आगे बढ़ता है तो गम जो स्वेल हो जाते हैं, स्वेलन गम्स, ये सब प्रॉब्लम इसके कारण होती है। इसके बाद कैविटीज, जो दांत खराब होता है वो भी इसके कारण होता है, क्योंकि बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं और वो दांतों में कैविटी करना शुरू करते हैं, डीमिनरलाइज करना उनको शुरू करते हैं, तो गम्स की प्रॉब्लम होती है, दांतों में जो सड़न होती है वो स्टार्ट होती है। इसके बाद बैड ब्रीथ, जो मुंह से बदबू आती है वो भी टार्टार के कारण, कैलकुलस के कारण आती है, क्योंकि बैक्टीरियाज होते हैं और फूड डेब्रीज होती है, तो इसके कारण आपके मुंह से स्मेल आती है, बदबू आती है। और कुछ होम रेमेडीज़ की भी बात करेंगे, कैसे इसको हम क्लीन कर सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर वीडियो देखना चाहते हैं। जनरली तो इसके लिए आपको गार्गल करने हैं, आपको ब्रशिंग सही से करनी है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि प्लाक क्या है, कैलकुलस क्या है, कैसे ये बनता है, कैसे फॉर्म होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दिया करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में अगर बताएं किन टॉपिक पर और वीडियोस देखना चाहते हैं, किन डिसीज़ के बारे में समझना चाहते हैं, वो सारी बातें आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।